हम लोग वैसे इनक्वलिटी पढ़ने वाले हैं, इनक्वलिटीज़। ये बेसिक मैथमेटिक्स का जो है तीसरा आज हमारा लेक्चर है। इस लेक्चर में इनक्वलिटीज़ से पहले हमें बेटा सेट चैप्टर के थोड़ा सा एक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, प्रीडिफाइंड जो सेट है हमारे सिलेबस में वो पढ़ने पड़ेंगे। हो सकता है कि जो सेट चैप्टर है वो आपके स्कूल का भले ही पहला चैप्टर हो, लेकिन हम जो है बेटा स्कूल के लिए उस सेट चैप्टर को अलग से पढ़ेंगे दो तीन लेक्चर लेके, ठीक है, वो बाद में जब आपकी जो है क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। अभी बस सेट का थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा, जो जितना पोर्शन की यहाँ रिक्वायरमेंट है, और उसके बाद इनक्वलिटीज से पहले हमें जिन बेसिक बातों की ज़रूरत है इनक्वलिटी में यूज़ करना है, आज उनको जो है हम देखेंगे, ताकि हम हो सकता है आज के लेक्चर के लास्ट में इनक्वलिटीज स्टार्ट कर लें, या फिर हो सकता है कि हम अगले लेक्चर में इनक्वलिटीज स्टार्ट करें। तो आज हम इनक्वलिटी से पहले वाला कुछ बेसिक पोर्शन कवर करेंगे कि इनक्वलिटीज से रिलेटेड हमारे पास क्या क्या बेसिक रूल हैं, जिनको हम फिर बड़े बड़े क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो आप जो है इन, और अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स 1 एंड बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 2 नहीं देखे हैं, तो बेटा पहले आप वो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना आगे के लेक्चर वेस्ट होंगे, ठीक है। तो आप स्टार्ट करेंगे अब लेक्चर 3। ऑल द बेस्ट। तो बेटा आज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटीज, है ना बेटा। इनइक्वालिटीज के साथ में जो है हमें कुछ बीच में कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको हम लोग जो है पहले देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो जैसे बेटा हमारे पास जो सेट थ्योरी चैप्टर है, जो आपका एनसीईआरटी का जो है पहला चैप्टर है, तो वो तो हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी सेट की जो है थोड़ी सी बात देखनी है, उसकी हमें इनइक्वालिटी में बेटा ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मैं बात कर सकता हूँ यहाँ पे कि मुझे ना कॉन्टीन्यूअस सेट पहले देखना है। बेटा कॉन्टीन्यूअस सेट का मतलब ये है कि जैसे अभी तक आपने बेटा सेट वगैरह को ऐसे देखा होगा ना, जैसे अगर मैंने बोला कि एक सेट है ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, तो इसमें चार एलिमेंट है हमारे पास, है ना। तो ये एक सेट है जिसमें हमारे पास जो है वो चार एलिमेंट रखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो बाकी जो है उसमें उधर पढ़ेंगे हम लोग दूसरी उस चैप्टर में। अच्छा, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि x की वैल्यू, मान लीजिए मैंने बोला बेटा x की वैल्यू a से लगाकर b तक है, मान लीजिए मैंने बोला कि x की वैल्यू a से लगाकर b तक है, तो बेटा इसे हम ऐसे लिख सकते हैं सेट की फॉर्म में, जब हम रिप्रेजेंट करेंगे ना बेटा इसको, सेट रिप्रेजेंटेशन, तो मैं इसे लिख सकता हूं कि x belongs to a कॉमा b। इसका मतलब हो गया कि x की वैल्यू a से b के बीच में कहीं भी हो सकती है। जैसे बेटा मैंने बोला कि x a से greater than equal to है और b से less than equal to है, इसका मतलब बेटा आप शायद समझ रहे होंगे कि x की वैल्यू a भी हो सकती है, a या a से बड़ी है, और बेटा b या b से छोटी है। तो बेटा यहाँ पर हम इसको x को लिख पाएंगे कि x belongs to a कॉमा b, ठीक है, कैपिटल a कैपिटल b। बेटा इसको जो कैपिटल, सॉरी ये कैपिटल ब्रैकेट लगा a और b पे, बेटा कैपिटल ब्रैकेट जो है ना इसको हम लोग इसमें सेट में बोला करते हैं बेटा क्लोज्ड ब्रैकेट, क्लोज्ड ब्रैकेट, और बेटा इसको हम लोग बोला करते हैं ओपन ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, ठीक है। तो मतलब बेटा यहाँ पर ये है हमारे पास कि जब कभी हमारे पास लिखा हुआ आए, मान लीजिए आपने बेटा अभी छोटी क्लासेस में जैसे लिखा हुआ देखा होगा कि x a से b के बीच में है, मतलब x greater than a less than b, और या फिर हमने लिखा x belongs to a कॉमा b, बात एक ही है। अच्छा, बिलोंग्स टू का जो साइन है ना बेटा, ये बिलोंग्स टू, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है बेटा जैसे ये सेट है 1, 2, 3, 4, तो मैं यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ 1 belongs to set A, मतलब ये 1 जो है इस सेट का एलिमेंट है, इसका मतलब ये होता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 belongs to set A, इसका मतलब ये होता है। कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ आपको जो है दिख जाए तो उसको आप बोलेंगे कि 1 belongs to A, मतलब 1 belongs to set A,
ठीक है, तो अगर मैं वो चाहे मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, बेटा बात एक ही होगी, मैं लिखूं x की वैल्यू a से b के बीच है या फिर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू a कोमा b, तो ए ये पता है एक सेट है बेटा, ये a कोमा b जो है ना बेटा, ये क्या सेट है जो कंटेन करता है a से b के बीच की सभी वैल्यू। मेरा मतलब ये है बेटा कि जैसे मैंने लिखा अगर a कोमा b स्मॉल ब्रैकेट, तो आपको पता है स्मॉल ब्रैकेट बोलो या ओपन ब्रैकेट एक ही बात है, तो इसका मतलब ये क्या है बेटा, ये एक सेट है, सेट कंटेनिंग ऑल द नंबर्स बिटवीन a एंड b, a और b के बीच के सभी नंबर कंटेन करने वाला सेट है। और देखिए अगर मैं बात करूं कुछ ऐसा, कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, कैपिटल ब्रैकेट लिख दिया और उसके बीच में दो नंबर लिख दिए बेटा ए बी, ये ध्यान रखना पहला वाला छोटा रहेगा दूसरा वाला बड़ा रहेगा, तो इसका मतलब है ये एक सेट है बेटा, ये एक सेट है कंटेनिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम ए टू बी। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है बेटा, अगर हमारे पास जो है स्मॉल ब्रैकेट लगे, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि वो उसे हम ओपन ब्रैकेट भी बोल सकते हैं, यहाँ मैंने लिख दिया है, तो स्मॉल ब्रैकेट का मतलब है कि ए से बी के बीच की सभी वैल्यू को कंटेन करता है ये सेट, जबकि अगर कैपिटल ब्रैकेट लग जाए दोनों साइड में, तो ये एक सेट है जो ए से बी तक की सभी वैल्यू को जो है वो कंटेन करता है ये सेट। इसमें मतलब कैपिटल ब्रैकेट लग गया तो बाउंड्री वाली वैल्यू भी इंक्लूड हो जाती है सेट में, जैसे यहाँ बेटा ओपन ब्रैकेट लगा तो ए से बी के बीच की वैल्यू ये जो है रखता है, ए और बी को नहीं रखता है। ठीक है बेटा, अच्छा ये आपको यहाँ से समझ में आ गई बातें। और देखिए मान लीजिए, ये तो चलिए दो कॉन्सेप्ट हो गए, मान लीजिए बेटा अगर मैं लिखना चाहता था कि एक्स की वैल्यू दो से बड़ी है, तीन या तीन के इक्वल हो सकती है, ऐसा कुछ दो से तीन के बीच में है, साथ में तीन भी हो सकती है, तो बेटा इसे पता मैं क्या लिख पाऊंगा सेट्स की फॉर्म में, दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू, बेटा एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट, दो से तीन के बीच में कहीं भी हो सकता है ना, तो दो से तीन का सेट उसमें ये बिलोंग करता है। ध्यान रखें बेटा दो पर इक्वल नहीं है, एक्स की वैल्यू दो से बड़ी रहेगी, दो नहीं हो सकती, तो इस पर ओपन ब्रैकेट, और इधर वाली जो बाउंड्री वैल्यू है थ्री, थ्री भी हो सकती है वैल्यू एक्स की, तीन या तीन से छोटी रहेगी और इक्वल भी हो सकती है बेटा, तो कैपिटल ब्रैकेट मतलब जो कॉर्नर की वैल्यूज होती हैं बेटा उन पे दोनों तरफ ब्रैकेट लग जाता है तो वो सेट हो जाता है। जिस वैल्यू को इंक्लूड करना है या तीन को इंक्लूड करना है, तीन भी हो सकती है ना एक्स की वैल्यू, तो जिसको बेटा इंक्लूड करना है उस पर कैपिटल ब्रैकेट लगाएं, जिसको इंक्लूड नहीं करना है उस पर बेटा स्मॉल ब्रैकेट लगाएं। ठीक है, अच्छा जैसे मान लीजिए बेटा कि मुझे लिखना था कि x की वैल्यू दो या दो से बड़ी है और तीन से छोटी है, तो इसको बेटा हम कैसे लिख पाएंगे, इसे हम लिख पाएंगे कि x बिलोंग्स टू बेटा दो को इंक्लूड, देखो दो से तीन के बीच में है x, तो दो से तीन के बीच में है x, तो मैं बस ब्रैकेट लगा दूंगा दोनों साइड में तो सेट बन जाएगा दो से तीन का, बेटा दो को ले सकता है ये, दो को ले सकता है x, दो वैल्यू हो सकती है दो पे कैपिटल ब्रैकेट, तीन नहीं हो सकती है तो तीन पे ओपन ब्रैकेट। तो समझ रहे हैं बेटा बात को कि किस तरह से जो है ये वैल्यू यहाँ पे लेनी है हमें। ठीक है, तो ये कॉर्नर वैल्यू को अगर इंक्लूड करना है तो उस पर कैपिटल ब्रैकेट, और बेटा अगर इंक्लूड नहीं करना है, उसको एक्सक्लूड करना है बाउंड्री वैल्यू को, तो बेटा उस पर स्मॉल ब्रैकेट लगा दें। ठीक है, मतलब ये जो है ये जो कैपिटल ब्रैकेट है ये क्या करता है बेटा, इंक्लूड्स बाउंड्री वैल्यूज, बाउंड्री वैल्यूज। और बेटा अगर मैं बात करूं ये स्मॉल ब्रैकेट की, तो ये क्या करता है, एक्सक्लूड या फिर डज नॉट इंक्लूड, बात एक ही है, एक्सक्लूड बाउंड्री वैल्यूज, कोई दिक्कत है इसमें? तो इसको बेटा आप एक बार नोट कीजिए कि एक सेट को हम किस तरह से लिख सकते हैं। सही बात है बेटा, है ना, तो समझ गए बेटा। इसमें जो है अगर मुझे एक सेट लिखना है जिसमें ए से बी के बीच की सभी वैल्यू है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा ए कोमा बी पर स्मॉल ब्रैकेट। मैं एक सेट लिखना चाहता हूं जिसके अंदर
ए से बी तक की सभी वैल्यू है, मतलब ए और बी भी है और उसके बीच वाली भी सभी है, तो बेटा मैं कैपिटल ब्रैकेट लगा दूंगा क्योंकि मुझे कॉर्नर वाली वैल्यू भी उस सेट में लेनी है, ठीक है। और मैं चाहे ऐसे लिखूं कि एक्स की वैल्यू 2 से 3 है, या फिर मैं एक्स बिलोंग्स टू दिस लिखूं, बात एक ही है। ये इसका मतलब भी तो ये हो गया ना कि एक्स बिलोंग्स टू 2, 3, मतलब 2 से 3 का जो सेट है एक्स कहीं उसके अंदर ही है, मतलब एक्स 2 से 3 की वैल्यू लेता है, तो बात एक ही हुई बेटा, ठीक है। तो मतलब जिसको इंक्लूड करना हो उस पर कैपिटल ब्रैकेट लगा देना, जिसको इंक्लूड नहीं करना बाउंड्री वैल्यू को दोनों कॉर्नर वैल्यू को देख लेना, और जिसको इंक्लूड नहीं करना भैया उस पर ओपन ब्रैकेट लगा देना। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? तो ये एक तरीका है कॉन्टिन्यूस सेट को लिखने का। जब जब जैसे मान लो मुझसे बोला गया कि 10 से 20 के बीच की सभी वैल्यू का सेट, जैसे मान लीजिए मुझसे बोला गया बेटा ए सेट कंटेनिंग ऑल द वैल्यूज बिटवीन 10 एंड 100। ध्यान रखना बेटा कि इसने 10 और 100 के बीच की सभी वैल्यू बोली है, इसने ये नहीं बोला, क्योंकि 10 और 20 के बीच की जो है मतलब कि 10 11 12 13 ऐसे नहीं बोला बेटा कि 11 12 13, वो तो सिर्फ नेचुरल नंबर है, इंटीजर्स हैं इनके बीच के। ये क्या करता है, कंटेनिंग ऑल दी वैल्यूज फ्रॉम 10 to 100, मतलब ये 10 10.1 10.2 10.3 सारी वैल्यूज लेगा। तो इसका मतलब ये सेट कैसा दिखेगा, ये कैसा दिखेगा बेटा सेट, 10 से 100 के बीच की रखनी है ना, कॉर्नर वैल्यू तो नहीं लेनी, नहीं बेटा बिटवीन 10 एंड 100, मतलब बीच के लेनी है सिर्फ। तो बेटा इसको सिर्फ आप ऐसा कर दें, कोई दिक्कत है, 10 और 100 के बीच की सभी वैल्यू को इंक्लूड करेगा ये सेट। तो समझ गए सेट को कैसे रिप्रेजेंट करना है, जब बोले कि इन दो नंबर के बीच की सभी वैल्यू को रखना है उस सेट में, तो बेटा आप ऐसे लिख दिया करें, ठीक है। आगे चलें, इसमें बेटा कभी कभी थोड़ा सा जो है चेंज आता है, जैसे जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जो है लिखा हुआ है कि इफ एक्स लेस देन 3, मेरे पास लिखा हुआ है एक्स लेस देन 3, तो एक्स की वैल्यू 3 से छोटी कुछ भी हो सकती है। बेटा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे मैंने बोला कि एक्स की वैल्यू 2 से 3 के बीच है, या फिर मैं लिखना चाहूँ एक्स बिलोंग्स टू 2, 3, बात एक ही होती है। तो बेटा अगर मुझे कोई सेट लिखना हुआ जिसमें 3 से छोटी सभी वैल्यू है, मुझे कोई सेट लिखना हुआ जिसमें 3 से छोटी सभी वैल्यू है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 3 से छोटी सभी वैल्यू, तो 3 से कहाँ तक जा रहा हूँ मैं, 3 से छोटी सभी तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगी ना बेटा, 3 से छोटी, तो 3 से छोटी सभी वैल्यू मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3। तो बेटा ये हो गया क्या, ओपन ब्रैकेट एक्स बिलोंग्स टू दिस। अगर मुझसे बोला जाए एक्स लेस देन इक्वल टू 3, अगर बेटा मुझसे बोला जाए कि एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मैं इसे क्या बोल सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3, और यहाँ पर क्या बेटा कैपिटल ब्रैकेट लग जाएगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ है, एक्स की वैल्यू 3 से छोटी मतलब क्या हो गया, 3 से छोटी मतलब छोटा कहाँ तक जा सकता है, 3 से माइनस इन्फिनिटी, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी पहले लिखा जाएगा, क्योंकि छोटा नंबर पहले लिखा जाता है बेटा इसमें इस तरह के सेट में, तो माइनस इन्फिनिटी से 3 हो सकती है एक्स की वैल्यू, तो माइनस इन्फिनिटी से 3, और तो का ये सेट हो गया एक्स बिलोंग्स टू दिस सेट। और बेटा क्योंकि 3 को इंक्लूड करना था, एक्स की वैल्यू 3 हो सकती है, तो बेटा 3 पे मैंने क्या लगा दिया, कैपिटल ब्रैकेट, ठीक है। और बेटा अगर मैंने जो है 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 से छोटा लेना है एक्स को सिर्फ, तो मतलब माइनस इन्फिनिटी से 3 लेना है, 3 को इंक्लूड नहीं करना है, 3 के इक्वल नहीं हो सकता, 3 से छोटा रहना है, तो बेटा माइनस इन्फिनिटी से 3 लिखा और 3 पे ओपन ब्रैकेट डाल दिया। अब यहाँ पर ये तो समझ गए कि 3 को इंक्लूड करना था तो कैपिटल ब्रैकेट 3 पे, इंक्लूड नहीं करना था तो ओपन ब्रैकेट 3 पे। लेकिन बेटा यहाँ आप लोगों को ये कन्फ्यूजन आ सकता है कि सर 3 से छोटा बोला था आपने, 3 से छोटी सभी वैल्यू, तो 3 से छोटे में तो इन्फिनिटी भी आता है, माइनस इन्फिनिटी सॉरी, 3 से छोटे में तो माइनस इन्फिनिटी भी आता है, तो आपने तो माइनस इन्फिनिटी को लेना चाहिए था। लेकिन बेटा माइनस इन्फिनिटी को लेना चाहिए था तो माइनस इन्फिनिटी पे कैपिटल ब्रैकेट लगाना चाहिए था, आपको ये कन्फ्यूजन आ सकता है। तो लेकिन इस बात का ध्यान रखें बेटा, देखिए मैंने बोला 3 से छोटी सभी वैल्यू लेगा एक्स, तो 3 से छोटी मतलब 3 से माइनस इन्फिनिटी, लेकिन बेटा क्या हम कभी
एग्जैक्टली माइनस इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी पे पहुंच सकते हैं? मेरा मतलब है, क्या आप कभी एग्जैक्टली इन्फिनिटी पॉइंट पे पहुंच पाए हैं? कभी भी नहीं। इन्फिनिटी को आप टेंड कर सकते हैं, टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकती है किसी की वैल्यू, एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं हो सकती, क्योंकि बेटा इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट। जैसे मान लीजिए कि आप जो है बेटा यहाँ पर खड़े हुए हैं, ठीक है, आप कहीं कहीं भी जो है मान लीजिए एक जगह पे खड़े हुए हैं और आपको दिख रहा है कि एक जो है इन्फिनिटी पे आसमान दिख रहा है कि वो इन्फिनिटी पॉइंट है। आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आसमान और आगे जाए दिखेगा, और आगे बढ़ेंगे आसमान और आगे दिखेगा, तो आपको दिख रहा था कि इन्फिनिटी पे आसमान है, लेकिन आप वहाँ पहुँचेंगे ना तो वो और आगे दिखेगा आपको। इसका मतलब क्या है कि हम इन्फिनिटी की तरफ को बढ़ते बढ़ते जाते तो रहते हैं, हम देख तो लेते हैं कि वहाँ बहुत दूर पहुँच गए हम, वो इन्फिनिटी है, लेकिन बेटा जब वहाँ पहुँचते हैं तो इन्फिनिटी और भी आगे दिखता है, वो पॉइंट और भी आगे दिखता है, आसमान और आगे तक दिखने लग जाता है। इसका मतलब इन्फिनिटी जो है हम कभी भी एग्जैक्टली नहीं पहुँच सकते। अगर ये एग्जाम्पल आपको नहीं भी समझ में आया मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ इतना समझें कि इन्फिनिटी पर हम एग्जैक्टली कभी नहीं पहुँच सकते, हम सिर्फ टेंड्स टू इन्फिनिटी हो सकते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी वेरिएबल की वैल्यू इन्फिनिटी पुट नहीं होती, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट होती है, मतलब लगभग इन्फिनिटी पुट होती है, ठीक है। तो इसने बोला कि x की वैल्यू 3 से माइनस इन्फिनिटी है, तो ठीक है, लेकिन माइनस इन्फिनिटी को हम एग्जैक्टली पहुंच नहीं सकते वहां पे, तो हम तो उसको इंक्लूड नहीं कर सकते। या मैं सीधे ये बोलूँ कि कभी भी किसी भी सेट में, स्टार मार्क करके पॉइंट लिख लेते हैं, इन एनी सेट डू नॉट पुट कैपिटल ब्रैकेट, डू नॉट पुट कैपिटल ब्रैकेट ऑन इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी बिकॉज़ वी कैन नॉट टेक वैल्यू एग्जैक्टली इन्फिनिटी, ठीक है बेटा, हम कभी भी एग्जैक्ट वैल्यू जो है नहीं ले सकते इन्फिनिटी, ठीक है, हम जस्ट टेंड कर सकते हैं वहां पे। तो ध्यान रखें कि कभी भी आपको कोई भी सेट लिखना है उसमें कभी भी माइनस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी पे आप कैपिटल ब्रैकेट पुट मत करना, क्योंकि कैपिटल ब्रैकेट का मतलब हो जाता है कि उसको इंक्लूड कर लिया गया, उस पर हम पहुंच गए हैं। जैसे बेटा अगर मैं यहाँ पर जो है बात करूँ, अगर मैं बोलूँ कि भैया एक्स की जो वैल्यू है ना वो क्या है 3 से बड़ी है, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज कि एक्स बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, एक्स 3 से बड़ा है, मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है, 3 से इन्फिनिटी, मतलब एक्स बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, इस सेट से लिया गया एक्स को, ठीक है, तो इन्फिनिटी पे भी कभी ओपन ब्रैकेट नहीं होगा। मान लीजिए मैंने बोला बेटा इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो इसका मतलब हो गया बेटा एक्स बिलोंग्स टू 3 से इन्फिनिटी, 3 को इंक्लूड कर लिया क्योंकि इसने बोला था 3 भी हो सकती है वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू में 3 भी चलेगा, तो 3 को इंक्लूड करना पड़ेगा इस बार एक्स की वैल्यू उसमें। तो समझ रहे हैं बेटा कि इन सेट्स को कैसे लिखना है, जहाँ से जहाँ तक की वैल्यू लेनी है दोनों तरफ वैल्यू लिख के और ब्रैकेट लगा दो, जिस वैल्यू को इंक्लूड करना हो उस पर कैपिटल ब्रैकेट, और जिसको इंक्लूड नहीं करना हो कॉर्नर वैल्यू को उस पर ओपन ब्रैकेट। और ध्यान रखें कि इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पर कभी भी कैपिटल ब्रैकेट हम लोग नहीं लगाएंगे, उस पर हमेशा हम क्या रखेंगे बेटा ओपन ब्रैकेट रखेंगे। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? इनएक्युरिटी बेटा आगे आएगी, है ना, इनएक्युरिटी में इनकी सबकी ना जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं अभी से इनको जो है आपके यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना, क्योंकि इन सारी चीज़ों की वहाँ जरूरत पड़ने वाली है। तो आप बेटा मुझे लग रहा है कि शायद आप ये बात समझ चुके हैं कि हमें जो है सेट्स को, मतलब जब बोला जाए कि यहाँ से यहाँ की वैल्यू एक्स ले सकता है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम पर सेट जो है वो लिखना आ गया है, ठीक है बेटा। अच्छा, और थोड़ा सा जो है हम लोग आगे चलते हैं। जैसे मान लीजिए अच्छा यूनियन आपको पता है कि दो को जो है जोड़ने के काम आता है ना, यूनियन का आपको पता है कि दो में दो सेट को जोड़ने के काम आता है, ठीक है बेटा। तो जैसे मेरा मतलब ये है कि अगर मुझे बोला जाए कि एक्स की वैल्यू जो है बेटा एक्स या तो 0 से 10 तक है या फिर एक्स 15 से
20 तक है। मतलब मान लीजिए कहीं आपको ऐसी फीलिंग आ रही है एक्स की वैल्यू 0 से 10 है या फिर 15 से 20 है, तो इसका मतलब बेटा मैं लिख सकता हूँ कि एक्स बिलोंग्स टू 0 से 10, क्योंकि 0 से 10 एक्स की वैल्यू है, तो ऐसे लिख सकते हैं। दोनों तरफ की वैल्यू को बेटा इंक्लूड नहीं करना है, तो मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। अच्छा, यूनियन जोड़ने के काम आता है, क्योंकि ये भी चलेगी एक्स की वैल्यू, ये भी चलेगी, तो 0 से 10 तक के सेट में है या तो एक्स, और या फिर 15 से 20 तक के सेट में है। बेटा 15 को इंक्लूड करना है, 15 ले सकता है एक्स वैल्यू, तो 15 पे कैपिटल ब्रैकेट और 20 पर ओपन ब्रैकेट, चूँकि 20 को नहीं ले सकते हम लोग। तो बेटा ये वाली बात जो है आपको समझ में आई कि x belongs to 0 से 10 एंड 15 से 20, ठीक है। तो इस तरह से हम जो है इसको लिख सकते हैं। तो कभी कभी दो टुकड़े भी दिखें आपके सेट के कि x की वैल्यू यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से यहाँ भी हो सकती है, तो आप सारे सेट्स को लिख के ऐसे यूनियन लगा दें बीच में, सब जोड़ के वो एक सेट बन जाएगा, ठीक है। जब दो तीन टुकड़ों में सेट हो तो आप यूनियन लगा के जोड़ दिया करें उसको, ठीक है। बेटा हम लोग थोड़ा सा और आगे चलते हैं। ये तो बेटा वो वाले सेट हो गए जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए से बी में है हम लोग, ए से बी का जो है कोई सेट है ना, तो ए कोमा बी लिख दिया, दोनों साइड को इंक्लूड करना है तो कैपिटल ब्रैकेट लगा दिया, तो ये तो वो वाली बातें हैं, है ना। अब मैं थोड़ा सा वो भी बात कर लूँ कि ये तो हमारे डिफाइंड वाले सेट है, हमने डिफाइन किए हैं ये सेट। अब जैसे हमारे जो बुक्स हैं बेटा, जो मैथ्स की बुक है, हो सकता है फिजिक्स वगैरह में भी ये कहीं कहीं पर यूज हो बेटा आपके न्यूमेरिकल्स वगैरह में, लेकिन हमारे पास जो बेटा मैथ्स की बुक है उसमें जगह जगह पर कुछ ऐसे सेट आपको मिलेंगे जिनको वो ये मानता है कि आपको पहले से पता है कि ये कौन सा सेट है। मतलब कुछ सेट के वो नाम डिफाइन कर दिया उसने कि, तो जैसे ही वो आप नाम देखेंगे ना, आप समझ जाएंगे कि इस सेट में क्या क्या रखा हुआ है पहले से। मतलब वो जो है पहले से हमारे मैथ्स में डिफाइन कर दिए गए, प्री डिफाइंड कुछ सेट है हमारे पास, ठीक है बेटा। तो उनको देखते हैं, इनको आप नोट कर लें फिर आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ बेटा कुछ प्री डिफाइंड सेट की, प्री डिफाइंड सेट नोटेशन बोल सकते हैं, या फिर आप जो है सिर्फ सेट भी बोलेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। प्री डिफाइंड सेट्स हमारे जो सिलेबस में पहले से डिफाइंड कर रखे हैं, ठीक है बेटा। तो स्टार्ट करें, जैसे कभी भी बेटा आपके यहाँ पर मान लीजिए कैपिटल एन लिखा हुआ दिख जाए, कैपिटल एन, और उसको उसने डिफाइन ना किया हो, कैपिटल एन दिख जाए और उसने उसको डिफाइन ना किया हो। अगर मान लो आपको बोल दे कि ये है कैपिटल एन, वेयर एन की वैल्यू 3 है, तो वो तो अलग बात हो गई बेटा। लेकिन अगर एक सेट के तौर पे कैपिटल एन लिख दिया और उसके बारे में कुछ भी ना बोले, तो डिफॉल्ट आप उसको क्या समझेंगे कि ये एक सेट है, ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। मतलब कभी भी अगर एक ऐसा सेट दिख जाए ना कि सेट कैपिटल एन है, तो आप समझ जाना कि एन को एन क्या रहा होगा, यहाँ पे सारे इसके अंदर नेचुरल नंबर रखे हुए हैं इन्फिनिटी तक, ठीक है, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर आ जाते हैं इस सेट के। तो कभी भी अगर एन कैपिटल एन सेट आपको कहीं लिखा हुआ दिख जाए, उसको डिफाइन ना किया जाए, तो समझ जाना कि वो एक से 100 तक के सारे, सॉरी एक से इन्फिनिटी तक के सारे नेचुरल नंबर्स अपने अंदर रखता है। और देखिए बेटा, जैसे मान लीजिए मेरे पास कभी जेड लिखा हुआ दिख जाए, जेड, ठीक है, या फिर आई भी चलेगा, या फिर क्या दिख जाए, आई दिख जाए, दोनों एक ही बात है, तो बेटा ये होता है हमारे पास सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स। इसका मतलब ये हुआ कभी जेड दिख जाए, कभी हमको बोल दे कि एक सेट है जेड और उसको क्वेश्चन में सीधे यूज कर दे, या फिर एक सेट है आई उसको सीधे क्वेश्चन में यूज कर दे कुछ भी उसको डिफाइन किए बिना, तो हम समझ जाएंगे कि ये डिफॉल्ट क्या है, इसके अंदर बेटा क्या रखा हुआ है, जेड हो या फिर आई हो, इसके अंदर रखा हुआ है बेटा क्या, जितने भी ये होते हैं ना 0, 1, 2, 3, 4 सारे पॉजिटिव और साथ में सारे नेगेटिव, जितने भी इंटीजर्स हमारे पास होते हैं बेटा सब इसके अंदर रखे हुए हैं, इधर को माइनस इन्फिनिटी तक और उधर को इन्फिनिटी तक। मतलब जेड सेट जेड लिखा हुआ मिले या फिर सेट आई लिखा हुआ मिले, समझ जाना कि इसके अंदर सारे इंटीजर्स रखे हुए हैं, मतलब ये सारे इंटीजर्स का सेट है, ये पहले से डिफाइंड है हमारे मैथ्स में, ठीक है। और आगे देखते हैं बेटा,
अगर मान लीजिए कहीं भी बेटा हमें क्यू लिखा हुआ दिखे, क्यू, तो इसका मतलब है कि ये एक सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, मतलब ये है कि इसके अंदर सारे रैशनल नंबर रखे हुए हैं, ठीक है। और रैशनल नंबर आप जानते हैं बेटा, रैशनल नंबर किसे कहते हैं, जो जिनको हम पी बाई क्यू फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर कहते हैं, सही बात है। तो आप समझ जाना कि कहीं भी कैपिटल क्यू का यूज कर दिया है तो वो सेट है ऑल रैशनल नंबर्स का। मान लीजिए कभी हमारे पास बेटा कैपिटल आर लिख दे, तो वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, कि इस कैपिटल आर जो सेट है इसके अंदर पहले से सारे रियल नंबर लिखे होते हैं, ठीक है। आप रियल नंबर किसे कहते हैं वो पहले पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में। अगर हमारे पास कभी बेटा जेड प्लस या फिर आई प्लस लिख दे, इसका मतलब है, देखो जेड और आई को हम जानते हैं क्या है बेटा, इंटीजर्स हैं, लेकिन जेड प्लस और आई प्लस लिख दे तो इसका मतलब है बेटा कि हमारे पास सेट ऑफ, प्लस का मतलब है पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब कभी कभी एक बोलते हैं कि ये एक सेट है जेड प्लस या एक सेट है आई प्लस, इसका मतलब इस सेट के अंदर क्या रखा हुआ है, कुछ भी डिफाइन नहीं किया तो हम समझ जाएंगे, तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक ऐसा सेट है जिसके अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर्स रखे हुए हैं, मतलब जैसे जेड प्लस या आई प्लस जो भी आप इसको बोलना चाहें, तो इसके अंदर मतलब क्या रखा हुआ है हमारे पास, 1, 2, 3, 4 ये सभी रखे हुए हैं। तो जेड प्लस को बेटा हम लोग और क्या बोल सकते हैं, जेड प्लस को हम क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर्स का सेट भी बोल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर वैसे हमें रियल में बोलना चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिव रियल पॉजिटिव इंटीजर का मतलब तो क्या है, ऑफ कोर्स नेचुरल नंबर ही है। अच्छा, कभी आर प्लस आ जाए या फिर क्यू प्लस आ जाए, जैसे मैं क्यू प्लस ले लूँ, क्यू किसे बोला था हमने, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं ना, है ना, जैसे क्यू के अंदर क्या रखा होगा, -2/3, -1/3, +2/3, +1/5, पॉजिटिव नेगेटिव सारे रैशनल नंबर रखे होंगे, लेकिन क्यू प्लस बोल दिया तो सिर्फ क्या है बेटा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेंगे, पॉजिटिव रैशनल नंबर ही मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लीजिए बेटा मैं बात करूँ आर प्लस की, आर का मतलब क्या था, एक ऐसा सेट जिसके अंदर पहले से सारे रियल नंबर रखे हुए हैं, तो बेटा आर प्लस बोला तो सिर्फ पॉजिटिव वाला, आप समझ रहे हैं, ऊपर में प्लस लगा देते हैं तो सिर्फ पॉजिटिव रिप्रेजेंट करता है वो, तो आर प्लस मतलब कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। तो मैंने यहाँ वो लिख दिया है कि आपको इनमें से जो लेटर्स हैं ना, ये एन जेड आई कैपिटल क्यू कैपिटल आर कैपिटल जेड प्लस क्यू प्लस आर प्लस आई प्लस, ये कुछ भी दिखे तो आपको समझना होगा कि ये एक सेट है प्रीडिफाइंड हमारे मैथ्स में, इसे वहाँ वो डिफाइन नहीं करेगा फिर से, ठीक है, वो प्रीडिफाइंड सेट है हमारे पास, हमें समझना होगा, कोई दिक्कत है बेटा, तो इन सिंबल्स का आप अच्छे से ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत है। अच्छा, और ये कैपिटल है ना, तो जनरली बेटा जब कोई भी एक जो है सेट होता है ना, जनरली वी रिप्रेजेंट एनी सेट विद कैपिटल लेटर है ना बेटा, तभी तो देखो सारे कैपिटल लेटर हैं ये जितने भी सेट हमारे यहाँ डिफाइन किए गए हैं, ठीक है। एंड जो उसके अंदर के एलिमेंट्स होते हैं सेट के अंदर के, एलिमेंट्स मतलब आप समझते हैं, जैसे ये एक सेट है इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 रखा हुआ है, तो ये सब इसके एलिमेंट है, 1 भी एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है, 4 भी एक एलिमेंट है ना बेटा। तो एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, ठीक है। तो जनरली सेट को जो है कैपिटल लेटर से डिफाइन किया जाता है, और बेटा उसके अंदर के एलिमेंट्स को जनरली स्मॉल लेटर से डिफाइन किया जाता है, तो कोई दिक्कत है बेटा इसमें, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा और बेटा आगे चलें, ओके। मैं यहाँ कुछ ये सारी बातें बेटा इसलिए बता रहा हूँ, ये सब कुछ यूज होने वाला है ना आगे, मतलब मैथ्स में कोई चैप्टर ऐसा नहीं होगा जहाँ ये यूज ना हो आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स,
इसलिए इनको जो है बेसिक मैथ्स में रखा गया है ना। इनक्वलिटी भले मैं शुरू में बोला था कि इनक्वलिटी आज जो है पढ़ेंगे, पहले इनको बेसिक चीज़ें हम सारी देख रहे हैं, अगर टाइम मिला तो इनक्वलिटी स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये जो है आपका बेसिक मैथमेटिक्स 3 जो है आज का लेक्चर चल रहा है ना। ओके, तो हम लोग जो है आगे चलते हैं। तो हमने देखा कि सेट्स वगैरह को कैसे रिप्रेजेंट हम लोग कर सकते हैं। सेट चैप्टर ध्यान रखना बेटा, सेट चैप्टर अपना अलग है। इनक्वलिटी में जितने सेट की ज़रूरत है हमें, हम सिर्फ अभी तक उतना पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो बेटा और कॉन्सेप्ट देखिए, मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है, चूंकि इनक्वलिटी भी हम बाद में पढ़ेंगे इसलिए उसकी भी बेसिक बातें कुछ हमें जाननी है बेसिक मैथ्स में। जैसे बेटा मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है कि ए लेस देन बी। ठीक है, मेरे पास क्या लिखा हुआ बेटा, ए लेस देन बी। तो देन अगर मैं दोनों साइड में माइनस का मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा मुझे ये जो इनक्वलिटी है ना बेटा, इसको मुझे रिवर्स करना पड़ता है, रिवर्स करना पड़ता है ऐसे। मतलब ये क्या हुआ कि इफ कॉन्सेप्ट क्या हुआ बेटा इसके पीछे, कि इफ बोथ साइड्स ऑफ इनइक्वलिटी मल्टीप्लाइड विद एनी नेगेटिव क्वांटिटी। बेटा ये ऐसा सोच लेंगे ना, माइनस वन से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में तभी तो नेगेटिव हुए, नेगेटिव क्वांटिटी, देन इनइक्वलिटी इज रिवर्स्ड। जैसे ये लेस देन था तो क्या हो जाएगा बेटा, ग्रेटर देन हो जाएगा। जैसे आप समझ रहे हैं बेटा कि अगर मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है 2 less than 3, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, आप जानते हैं कि ये करेक्ट है। आपके पास मान लीजिए लिखा हुआ है बेटा कि 3 > -2, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड में, तो ये रिवर्स हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो समझ रहे हैं, कभी भी अगर दोनों साइड में नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना पड़े, बेटा मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो एक ही रूल होता है दोनों के लिए, तो अगर दोनों साइड में कभी भी बेटा नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करना पड़े तो हमें हमेशा रिवर्स करना पड़ता है इनइक्वलिटी को, रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है इसमें, आगे चलते हैं। जैसे बेटा हमारे पास इफ ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 2 less than 3, आपने मान लीजिए 4 का मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी का, 4 का, तो ये क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 into 2 4 into 3, तो अभी भी कोई चेंज थोड़ी आया, 8 less than 12 होता ही है। तो मतलब अगर कोई भी इनएक्यूरेटी लिखी हुई है दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा नो चेंज होता है ना, इनएक्यूरेटी में कोई भी चेंज नहीं आता है। मतलब साइन जैसा लेस देन था तो लेस देन ही रहेगा, ग्रेटर देन था तो ग्रेटर देन ही रहेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को बेटा हम लोग यहाँ पर जो है लिख लेते हैं कि इफ़ नोट कर लेना बेटा सभी इसको, है ना। तो इफ़ बोथ साइड ऑफ इनइक्वलिटी मल्टीप्लाइड विद एनी पॉजिटिव क्वांटिटी, देन नो चेंज इनइक्वलिटी। तो बेटा अगर कोई भी इनइक्वलिटी लिखी है तो अगर दोनों साइड में नेगेटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया आपने, सेम क्वांटिटी का नेगेटिव का, तो बेटा रिवर्स करना है। अगर पॉजिटिव का मल्टीप्लाई किया दोनों साइड तो बेटा रिवर्स नहीं करना है इनइक्वलिटी को, कोई दिक्कत है। तो ये तो आ गई बेटा हमारे पास क्या, रिवर्स वाली बात। यहाँ पर वन अपॉन करने वाली बात बेटा हम लोग जो है और सीखते हैं। ठीक है बेटा, तो देखते हैं, बेटा मैं अगर वन अपॉन करने वाला आपको जो है ये रूल बताऊं
तो वन अपॉन का जो रूल है वो कुछ ऐसा होता है, जैसे आपने कुछ ऐसा सीखा है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है कि टू लेस देन थ्री और मैंने वन अपॉन कर दिया, तो वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, तो ये क्या हो गया बेटा, रिवर्स हो जाता है। ये दोनों साइड क्या थी बेटा, पॉजिटिव थी। अच्छा, अगर दोनों साइड नेगेटिव होती तो बेटा ये क्या कौन ऐसे होता, तो दोनों साइड अगर मैंने वन अपॉन किया तो अभी भी क्या हो गया बेटा, ये रिवर्स हो गया। इफ़ दिस देन दिस, इफ माइनस टू ग्रेटर देन माइनस थ्री देन, इनको अगर वन अपॉन कर दिया गया तो ये रिवर्स हो गए, ठीक है। लेकिन लेकिन बेटा अगर आपके पास लिखा हुआ है टू ग्रेटर देन, अगर आपके पास बेटा लिखा हुआ है टू ग्रेटर देन माइनस थ्री और आपने बेटा वन अपॉन किया, तो बेटा एक बात बताइए, अभी भी नेगेटिव ही तो छोटा रहेगा ना, तो इसलिए अभी भी साइन वैसा ही रहेगा जैसे था। इस बात को बेटा आप जो है समझ पा रहे हैं, हैं? तो आप किस बात का बेटा ध्यान रखेंगे इनएक्वलिटी को वन अपॉन करने में? इनएक्वलिटी को अगर वन, दोनों साइड को, जैसे दोनों, यहाँ तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करना सीखा हमने ऊपर में, ये रूल मैं बता रहा हूँ वन अपॉन कैसे करना है, ठीक है, दोनों साइड का। तो कभी भी अगर दोनों साइड बेटा पॉजिटिव हो, ध्यान रखना दोनों साइड पॉजिटिव हो, तो दोनों साइड का वन अपॉन करेंगे तो इनएक्वलिटी रिवर्स हो जाएगी। अगर दोनों साइड नेगेटिव हो और दोनों साइड का आपने वन अपॉन किया तो इनएक्वलिटी तब भी रिवर्स होगी। मतलब ये कि दोनों साइड का साइन अगर सेम हो, फिर से सुनिए, अगर दोनों साइड का साइन सेम हो, जैसे यहाँ दोनों तरफ पॉजिटिव था और यहाँ दोनों तरफ क्या था बेटा, नेगेटिव था, तो अगर दोनों साइड का साइन सेम हो, चाहे दोनों तरफ नेगेटिव हो चाहे दोनों तरफ पॉजिटिव हो, तो दोनों साइड में वन अपॉन करेंगे तो इनएक्वलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। लेस देन के साइन को ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा, ग्रेटर देन का साइन है तो लेस देन बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर मान लीजिए दोनों साइड के जो साइन है वो अपोजिट है, मतलब एक साइड नेगेटिव लिखा हुआ है, एक साइड पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो वन अपॉन कर दिया दोनों साइड में, तो बेटा ग्रेटर देन ही रहेगा और लेस देन ही रहेगा, मतलब इनएक्वलिटी में चेंज नहीं आएगा। बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो यहाँ पर बेटा मुझे स्टार मार्क करके जो है क्या लिखना चाहिए वो देखिए, यहाँ मुझे लिखना चाहिए कि इफ बोथ साइड्स ऑफ इनएक्वलिटी आर हैविंग सेम साइन, मतलब दोनों साइड या तो पॉजिटिव हैं या फिर नेगेटिव हैं, देन बाय देन, या सीधे बस आप समझ लीजिए कि अगर दोनों साइड जो है इनएक्वलिटी की सेम साइन रखती हैं, तो फिर देन और बेटा क्या थ्योरी फालतू के लिखें, देन सीधी बात यह है कि नो चेंज। अच्छा सेम साइन था क्या? नहीं, सेम साइन में अभी अभी देखा ना हमने, से अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है दोनों तरफ निगेटिव है तो रिवर्स हो जाती है, तो देन रिवर्स द इनएक्वलिटी, रिवर्स द इन इक्वलिटी, है ना, जैसे अभी अभी यहाँ पर हुई थी। और दूसरी बात क्या है बेटा कि अगर हमारे पास जो है, इफ बोथ साइड हैविंग डिफरेंट साइन देन नो चेंज, ठीक है, इन इनएक्वलिटी, ठीक है बेटा। मतलब ये है कि जैसे दो, जैसे मेरे पास लिखा हुआ माइनस टू छोटा है पांच से, तो मैंने अगर वन अपॉन किया दोनों साइड में, तो बेटा ये अभी भी ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन ही रहेगा। ठीक है, जबकि अगर सेम साइन होता, मान लीजिए ऐसे लिखा होता कि माइनस वन, ऐसे अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो माइनस वन का वन अपॉन माइनस वन, इसका वन अपॉन माइनस वन बाई टू, तो अब ये रिवर्स हो जाता, तो
समझ रहे हैं बात को, कि दोनों तरफ सेम साइन हो और तब दोनों साइड का बना पोल हो जाए, तो बेटा वो अलग बात है, ठीक है। और मतलब उसमें हमें इनएक्युलिटी को रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर बेटा हमारा जो है दोनों साइड का साइन डिफरेंट हो, तो उस केस में जो है हमें इसको रिवर्स नहीं करना है, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे रहेगा। तो समझ गए, इनएक्युलिटी को दोनों साइड में माइनस का मतलब दोनों साइड में निगेटिव का मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है, रिवर्स हो जाती है इनएक्युलिटी। अगर दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें सेम क्वांटिटी का, तो कोई चेंज नहीं आता इनएक्युलिटी में। अगर दोनों साइड को वन अपॉन कर दें, दोनों साइड जो लिखी हुई इनको वन अपॉन करके लिख दें, लेफ्ट साइड को भी राइट साइड को भी, तो बेटा इनएक्युलिटी किस पर डिपेंड करती है, अगर दोनों साइड का साइन सेम था, दोनों साइड में पॉजिटिव थी या दोनों साइड ही निगेटिव थी, तो वन अपॉन करने पर रिवर्स करना है इनएक्युलिटी को। जबकि अगर बेटा दोनों साइड का साइन डिफरेंट था, एक तरफ निगेटिव थी एक तरफ पॉजिटिव थी, तो वन अपॉन करने पर क्या करना है, हमें साइन को चेंज नहीं करना है, ठीक है, जैसे जो था वही रहेगा। तो ये हमारे जो है इनएक्युलिटी से रिलेटेड थोड़े से कुछ रूल्स हैं हमारे पास, ठीक है। अभी इनएक्युलिटी बेटा फिर हम जो है फिर नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर लेंगे, क्योंकि वो जो है अपने आप में काफ़ी बड़ा सा टॉपिक है। अभी हम जो है कुछ एक बात और पढ़ते हैं बेटा यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक है, इफ एनी क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, मान लीजिए ये एक लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर ए पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव है, एंड इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, अगर इसमें बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू नेगेटिव है, ध्यान रखें मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, अगर एक्स स्क्वायर किसी क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव हो एंड उसका डिस्क्रिमिनेंट डी, जिसे आप जानते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी उसकी वैल्यू होती है, तो अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, देन इसकी जो वैल्यू होती है बेटा, दिस always gives positive value, ठीक है। जैसे मान लीजिए बेटा मैंने बोला कि मेरे पास लिखा हुआ है कि 2x square plus x plus 3, मान लीजिए ये लिखा हुआ है, तो बेटा a का मतलब क्या था यहाँ पे, x square का coefficient, तो बेटा एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है ए, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट है वो क्या है यहाँ पर, दो, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर कोफिशियंट पॉजिटिव। और बेटा इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट डी, ये क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, मतलब वन स्क्वायर माइनस फोर इंटू टू इंटू थ्री, तो ये कितना हो गया बेटा, माइनस 23, मतलब ये क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, मतलब हमारे पास क्या हो गया बेटा, डी नेगेटिव और ए पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। अगर ऐसा हो जाए तो मैंने क्या लिखा है कि जो ये क्वाड्रेटिक है अपना 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, जो एक क्वाड्रेटिक है, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब यहाँ बेटा x की आप कुछ भी वैल्यू रख देना इसमें 2x square plus x plus 3 में, तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन है ना बेटा, ये एक्सप्रेशन हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू ही आउटपुट में देगा, चाहे x की वैल्यू आप यहाँ कुछ भी रख देना। तो मैंने फिर से समझ लीजिए मैंने क्या बताया है, इसका बेटा जो रीज़न है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो मैं बेटा आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चैप्टर ज़्यादा दूर नहीं है बेटा, वो भी पास में ही है, एक दो चैप्टर के बाद ही क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, वो मैं तब पढ़ाऊंगा। तो क्यों होता है वो हम वहाँ देखेंगे, लेकिन यहाँ जब इनएक्वालिटी हम पढ़ेंगे बेटा अगली क्लास में, तो हमें इस बात की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ नहीं बहुत जगह इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो ध्यान रखें कि कोई भी एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो,
उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट पॉजिटिव निकले और डिस्क्रिमिनेंट जो है उस क्वाड्रेटिक का वो नेगेटिव निकले, तो बेटा आप सीधे समझ जाना कि क्वाड्रेटिक की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की, इसमें आप एक्स को भले ही कुछ भी रखना, ये हमेशा क्या आउटपुट देने वाला है, पॉजिटिव आउटपुट देने वाला है। ठीक है, इन सारी चीज़ों को बेटा अच्छे से ध्यान रखें, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं, ये बीच बीच में यूज होती रहेंगी, फिर मैं बोलूँगा उस टाइम पे कि मैंने जो है पहले पढ़ाया था। ठीक है, तो इसे फिर से आपको नोट्स उठा के देखने पड़ेंगे, तो इससे अच्छा क्या है बेटा कि आप जो है अभी से पढ़ते रहें। ठीक है, तो ये बेटा आपका हो गया लेक्चर 3, है ना, बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 3। आप इसका अच्छे से जो है मतलब रिविज़न करना, आप नोट्स ज़रूर जो है तैयार करके रखते रहना। ये इतनी इंपॉर्टेंट बातें हैं कि ये कहीं किसी बुक्स में लिखी हुई ऐसे मतलब बेस्ट सिस्टमैटिक नहीं मिलती हैं कि एक जगह पर लिखी हुई मिल गई सारी बातें, कोई कहीं, लेकिन हम लोगों ने बेसिक मैथ्स के नाम पे सारी ये ऐसी वाली बातें हम जो है लिख रहे हैं एक साथ, ताकि एक बार में जो है अच्छे से इनको पढ़ के और फिर हमेशा जो है इनको यूज़ करते रहें, फिर हमें बार बार जो है इन सारी चीज़ों में ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा कि भैया ये कि ये फिर ऐसा होगा ना, बड़ा सा कोई टॉपिक चल रहा होगा और फिर हमें लगेगा यार ये भी पढ़ते हैं, तो फिर हम अपने मेन मुद्दे से जो है डाइवर्ट नहीं होना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी ना, फिर बीच में जहाँ भी आया करेंगी हम फिर अपने मेन मुद्दे से जो है भटक जाया करेंगे, फिर से इन पर आना पड़ेगा, ये समझ नहीं पड़ेंगी, फिर उधर जाना पड़ेगा, फिर ये समझ नहीं पड़ेंगी, तो इसलिए एक बार में ही हम जो है बेटा ये सारी चीज़ें अपनी पढ़ के रख रहे हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपने अगर बेसिक मैथमेटिक्स 1-2 नहीं पढ़े हैं तो बेसिक मैथमेटिक्स लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को अच्छे से पढ़ें, उसके बाद ही आप इस लेक्चर को पढ़ें। और ध्यान रखना, इन लेक्चर्स के बिना मैथ्स में कुछ नहीं करने वाले आप IIT में। ठीक है, और अगर आप इन सबको पढ़ते हैं तो आगे हम फिर बड़ी बड़ी चीज़ें देखेंगे और आपका IIT में सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है, बस आप सिंसियरली पढ़ते रहें और आपको जो भी असाइनमेंट मिले वो करते रहें। ठीक है, और ध्यान रखना बेटा आपकी अटेंडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, तो आप अटेंडेंस जो है वो ज़रूर दें। ठीक है, तो जो भी अटेंडेंस का प्रोसेस है उसको ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू।